खंडवा में मोहर्रम के ताजियों के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराने को लेकर मामला गर्मा चुका है। राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच ने झंडे फहराने के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच ने सड़क पर तिरंगा लहराया, साथ ही इसराइल का झंडा लेकर समर्थन दर्शाया। इस दौरान फिलिस्तीन को आतंकी संगठन हमास का समर्थक बताया, साथ ही झंडा लहराने वालों और उनके नेतृत्वकर्ताओं पर कठोर कार्रवाई की मांग की। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं खंडवा की तस्वीरें हैं, जहां पर मोहर्रम के ताजियों के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराने को लेकर अब मामला गर्मा चुका है। ये मोहर्रम के दौरान झंडे लहरा रहे थे और अब ये मामला सामने आया है, वीडियो सामने आया है। जानकारी लेंगे सहयोगी अमित जसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए नजर आए, अब कहीं ना कहीं सियासत भी गर्मा रही है, अलग अलग तरह के रिएक्शंस बयान आ रहे हैं, क्या ज्यादा जानकारी है, क्या कहा जा रहा है, कार्रवाई होगी क्या? जी बिल्कुल, आज खंडवा की अगर बात करें तो राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच ने खंडवा के बड़ा बम चौराहा पर प्रदर्शन किया है और उन्होंने हाथों में तिरंगा लहराया और साथ में इसराइल का झंडा भी लिया और इसराइल का समर्थन भी दर्शाया और खास तौर से ये बात कही कि जिन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लहराया है और आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया है उन लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और न सिर्फ उन लोगों पर होनी चाहिए बल्कि उनका जो नेतृत्व करने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है और उनका अनुसंधान इस पूरे मामले पर चल रहा है और संभवतः इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की बात भी सामने आ सकती है। केस दर्ज किए जाने को लेकर पुलिस लगातार जो है कानूनविदों की सलाह भी ले रही है और कानून को भी खंगाला जा रहा है कि किन धाराओं में इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी को साझा करने के लिए। बात करेंगे जबलपुर की, गोदाम में ब्लास्ट बना है रहस्य, अभी तक रहस्य बना हुआ है ब्लास्ट का मामला, मौके पर नहीं मिले हैं बारूद के कण, पुलिस ये बता रही है। फॉरेंसिक BDDS की टीम जांच कर रही है, गोदाम में लगे CCTV के DVR भी गायब हैं। कंचनपुर इंडस्ट्रियल एरिया गोदाम में यह ब्लास्ट हुआ था, कपिल जैन सलील जैन द्वारा संचालित किया जा रहा था यह गोदाम। रायपुर की आर्यन इंडस्ट्री ने कबाड़ खरीदा था, जबलपुर की COD फैक्ट्री से ये कबाड़ खरीदा गया था, आयरन इंडस्ट्री के मालिक ने जबलपुर में ही कबाड़ बेच दिया था। अरे अब भी ढूंढते हैं, अभी पहुंचे तो ग्वालियर में छात्रा के साथ गैंगरेप का एक मामला सामने आया, गैंगरेप के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी कृष्णा सोनी और सत्यम बाथम गिरफ्तार हुए हैं। घटना के दौरान इस्तेमाल कार भी बरामद की गई है, घटना के दौरान बनाए वीडियो मोबाइल भी जब्त किए गए। तीसरे आरोपी की तलाश में अभी पुलिस जुटी हुई है। FIR बच्ची ने बताया जो स्टेटमेंट किया वो एक ही आरोपी ने दुष्कर्म किया और मेरा सभी से बच्चों से अपील भी है कि इस प्रकार से कोई भी अननोन पर्सन से इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई भी अननोन रिक्वेस्ट आती है, एक तो कोई एक्सेप्ट नहीं करे, दोस्ती नहीं करे और दूसरा आपके साथ में यदि कोई जाने अनजाने में कोई घटना भी हो जाती है तो तत्काल अपने परिजनों को बताएं जिससे कि कोई वायरल नहीं करे आपका। और प्रकरण में जो है धारा जो है 376 363 366 पास्को एक्ट और IT एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया, आरोपियों गिरफ्तार का न्यायालय पेश। बारिश में बैतूल में कंडम बसों की पोल खोल दी है, एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बारिश के समय बस की छत से पानी गिरते हुए नजर आया। अब वीडियो सामने आने के बाद RTO पर भी सवाल उठने लगे हैं, जब यात्री बस की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है तो फिर बस को फिटनेस सर्टिफिकेट आखिर कैसे मिला। वायरल वीडियो की जानकारी कलेक्टर तक पहुंची है जिसके बाद कलेक्टर ने जांच की बात कही है। ये तस्वीरें आपके सामने बैतूल की, क्या हालत है बसों की, ये बसें बयां कर रही हैं और ये हर बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कई बार ऐसी बसें हैं जो दौड़ती हैं सड़कों पर और शायद इन पे इनकी फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता और हादसे भी आए दिन हम देखते हैं। इंदौर का जिक्र करेंगे, खजराना मंदिर में अश्लील हरकत हुई है, दुकानदार ने नवविवाहित का वीडियो बनाया, नवविवाहिता का शौचालय में खिड़की से अश्लील वीडियो बनाया, युवती ने पुलिस में शिकायत की है, CCTV में भागते हुए बदमाश दिखाई दिया।
भोपाल के अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड पाठ मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस कमिश्नर ने अशोका गार्डन थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर दिया है। निजी व्यक्ति को थाने में सुंदरकांड की मंजूरी देने के मामले में गलती पाते हुए टीआई हेमंत श्रीवास्तव से स्पष्टीकरण मांगा गया। आपको बता दें कि मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। मुलाकात में जीतू पटवारी ने कार्रवाई की मांग की थी और कहा कि पुलिस कमिश्नर ने दो दिन का समय मांगा है और दो दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अनुमति दी गई थी। सामान्य तौर पर थानों में, कई थानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल हैं, उस तरह के स्थल पूर्व से थानों में मौजूद हैं, इन जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्तियों को समानता अनुमति नहीं दी जाती है। तो थाना प्रभारी के स्तर पर ये त्रुटि हुई थी और इसके लिए थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने आज जो कल की घटना है, एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपना अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें। सर्विस बुक एक अधिकारी को शपथ लेकर पालन करने की अनुमति देती है। अगर सर्विस बुक का पालन करना है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, सस्पेंड करो, या फिर आपको आयोजन करने की अनुमति सही दिखती है तो फिर हमें भी, कांग्रेस पार्टी को भी, सारे थानों में एक साथ भोपाल के आयोजन करने की अनुमति दो। सुंदरकांड जबलपुर में कल